टेंशन में आ गई ना इसलिए। अब वो कोई बात नहीं, आप एक बार प्राची से बात करवाइए। हाँ हाँ आ रही हूँ ना, एक मिनट। हेलो हेलो, लगता है वो पार्टी वाले बुला रहे हैं तो मुझे जाना पड़ेगा। हम घर में आएंगे ना तो प्राची से बात कर लेना। हाँ हेलो, भगवान बच गई। प्राची मंडप में है और प्रज्ञा से कैसे मैं बात करवाती। थैंक यू श्री जी बाबा। अरे ये सुन, तो टेंशन मत ले, मैंने कुछ लोगों को बुलाया, वो लोग आते ही होंगे। एक बार वो लोग आ जाए ना, उसके बाद माया के जो बड़े पापा है ना, बात बात पे गन निकालते हैं, चलाने की धमकी देते हैं। निकालना क्या है, बंद को हिलाना भी भूल जाएंगे। आए तो देव ने। ये कौन लोग हैं, आप जानते हैं? लोगों को बचपन से ही करता है, गाना तो ऐसे झूठ मुक्का गाता हूँ। रिलैक्स, कुत्ता तक नहीं आता यहाँ पर। तो बगल में मार्केट है, खा पी करके यहाँ बहुत लोग यहाँ घूमते रहते हैं। भाई साहब मार्केट ना घड़ी दूर है, ये छोरी कितना भी चीख ले इसकी चीख निकल जाएगी, लेकिन इसकी आवाज नहीं निकलेगी बाहर। कल के कच्चो, मुझे मत बताओ कि क्या करना है क्या नहीं, जो कह रहा हूँ उतना करो बस। बताओ। सॉरी भाई साहब। सॉरी भाई। भाई बांध दिया, अब क्या करना? मैडम ने कहा था कि एक को जिंदा रखना है और एक को मारना है शादी होने तक। भाई साहब मारना किसको है? हाँ तो ये जो दुल्हन के ड्रेस में बैठी है इसको मार देते हैं। हाँ भाई उड़ा देते हैं ना इसको। अबे चुप करो, एक ने दुल्हन के कपड़े पहने थे और एक के पास दुल्हन के कपड़े पड़े हुए थे। अब किसे मारना है किसे नहीं मारना है कोई फोटो भी नहीं दिया मैडम ने। एक काम करता हूँ, मैडम को ही कॉल लगा के पूछता हूँ। काम करता हूँ, मैसेज करता हूँ। मुझे नहीं पता किसे मारना है, वीडियो कॉल कर रहा हूँ मैं, आप चेहरा बता देना। एक बार ये मैडम मेरा मैसेज पढ़ ले, और अगर नहीं पढ़ा तो? अबे शक्ल अच्छी नहीं है तो बातें तो अच्छी किया कर। माया का बॉयफ्रेंड? हाँ, ये माया से शादी करना चाहता है और माया भी इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन माया ने एंड टाइम पे अपना डिसीजन चेंज कर लिया। और तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? एक्चुअली ही इज ड्रंक, और हमने ही पिलाई थी ताकि ये नशे में आकर सबके सामने माया से अपना अफेयर एक्सेप्ट कर ले, लेकिन इसे थोड़ी ज्यादा हो गई और अब ये होश में नहीं आ रहा। हम लोग इसे होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट रणवीर और माया की शादी टूट जाए। नहीं, ये शादी आई मीन ओ गॉड, जब तक मेरी रिया की शादी रणवीर से नहीं हो जाती इसे होश नहीं आना चाहिए। पता नहीं किसने मारा उसे, माया ने या प्राची ने, जो भी हो बस ये शादी खत्म होने से पहले उन दोनों से यहाँ कोई नहीं आना चाहिए, वरना अगर भागने की कोशिश करी तो जान से मार दूंगा। प्लीज मुझे छोड़ो। चुप। मुझे छोड़ो। मैं क्या कर रहा हूँ? माया, मतलब ये प्राची की गुंडे, उसने मुझे किडनैप करवाया। आज तो इस प्राची को छोड़ूंगी नहीं मैं। इससे पहले ये लोग वापस आए, मैं निकलती हूँ यहाँ से। मैं भूल जाता हूँ, रुको। बल्लू मैं अभी आया। मैं अभी आ रहा हूँ।
लड़की का भाग्य उसकी हाथ की लकीरों में होता है और कुमकुम उसके माथे की लकीरों में, वहीं वो सजता है। रणवीर तेरा ही होगा, ये लकीर तेरे माथे और हाथ में लिखा जा चुका है। इंसान सिर्फ अपने ही नहीं, जरूरत पड़ने पर कई बार दूसरों की भी किस्मत लिखता है। मैंने रिया और प्राची की किस्मत लिख दी है। रिया रणवीर से शादी करके उसके घर जा रही है और प्राची इस दुनिया से। अरे पकड़ उसको। मना क्या ना तुझे भागने के लिए? ओए बल्ले! हमें चलाने नहीं आते ना भाभी, हम नहीं करते ये सब। और भी कुछ चाहिए था क्या? बापरे, इसके अलावा और क्या दोगे भाई? बॉम्ब। बॉम्ब? अबे बॉम्ब का क्या, बॉम्ब क्या करना है? वॉर वॉर करना है क्या? तू कोहली नहीं है? अबे कोहली हूँ, ले चश्मा पहन। कोहली, विक्रम कोहली। विक्रम कोहली? कोहली है ना। अरे चला गोली। अरे किसी की उठने वाली डोली, तू क्या कोहली गोली की बात कर रहा है? चलो वे क्या कर रहा है तू यार? अभी तो सिर्फ गोली चलेगी, उसके बाद बम भी फोड़ेंगे ना। ओए कोहली, वो लोग बंदूक दिखाकर शादी करवा सकते हैं, तो हम क्या ऐसे बंदूक दिखाकर शादी रुकवा नहीं सकते? सिंपल है, और जब तक जरूरत नहीं पड़े गोली मत चला, ठीक है? चलो। और जरूरत पड़े फिर भी मत चलाना, ये सिर्फ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और सिर्फ डराएंगे। मुझे पता है, मुझे पता है, इसलिए रणवीर तुझसे मदद नहीं मांग रहा था। मुझे पता है तू बिन दिवाली के पटाखे फोड़ने वाला था। अब तू भी फोड़ेगा मेरे साथ? रुक रुक, ट्राई कर दो ना। मैं कैसे? अबे लॉक है, ऐसे थोड़ी पटेगा। अच्छा, लॉक खोलेगा? हाँ खोल लॉक। चल बाद में देखा था तुझे। और सुन, हाँ तू कोहली है? अबे मेरे को चल। अरे देख क्या रहे हो, पुलिस को फोन लगाओ। अरे पुलिस तो हॉस्पिटल में भी आ जाएगी, प्लीज प्लीज कोऑपरेट कीजिए और हॉस्पिटल लेके चलिए। भाई अब क्या करें? अब यहाँ सबके सामने कुछ नहीं कर सकते, इससे पहले कि पुलिस आए भाग लेते हैं यहाँ से। अबे अब तक तू फोन काट रहा था, किसको लगा रहा अभी यार? हेलो हेलो, क्या 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 हुआ मेरी बेटी को? इतना खून कैसे निकला उसका? एक्सीडेंट हुआ है एक्चुअली, वो रोड पे भाग रही थी और सडनली मेरी गाड़ी के आगे आ गई। उससे ज्यादा लगी तो नहीं ना? डरने की बात नहीं है, मैं सरेका सिटी हॉस्पिटल जा रही हूं। आप जितनी जल्दी आ जाइए प्लीज। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। क्या क्या हुआ यार? प्रिया का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है यार, सिटी हॉस्पिटल। मुझे जाना है, टेंशन मत ले। ओके तो मैं देख लूंगा, दो दो है मेरे पास अब। चलो असली बेटी बता दी तू कैसी लड़की है, मरवा के तू साला। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ इडियट। मैम आप मेरे साथ आइए, आइए आइए। एक के साथ एक तो एक फ्री मिली, मगर ऐसा कुछ फ्री हो गया? एक काम करो बुढ़िया बस्तर बादो, ये चंदन का बॉस सच में मुंह से कम गोलियां ज्यादा मारता है। भाई यहाँ पर पुलिस भी आ सकती है। पुलिस तो पुरानी हवेली वाले अड्डे पर भी आ सकती है। भाई साहब मैं एक बात बोलूं? हाँ गांव चलते हैं। सही कह रहे हो, एक काम करो सब पैकिंग करो। हाँ भाई, भाई मैं बोल तो रहा हूँ, चल गांव ही चलते हैं फिर। रिया, रिया कहाँ है? रिया का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में है और अभी उसे देखने गए हुए। ये हो क्या रहा है यहाँ पर?
माया की शादी नहीं हो रही और क्या। एक सेकंड, तुम मुझे बताओ तुम्हें मंडप से किसने हटाया? इस प्राची ने। पहले तो उसने मुझे धक्का दिया और मैं बेहोश हो गई, फिर उसके बाद मेरा हाथ बांधा, मुझे कहाँ छुपाया, मुझे कुछ भी आते। और इसने ये सब इसलिए किया है क्योंकि ये रणवीर से शादी करना चाहती है। नहीं ये झूठ, रणवीर से शादी करना मेरा इरादा था ही नहीं। तुम इन्हें सफाई क्यों दे रही हो? तो आप ही दे दीजिए, सजा तो जरूर मिलेगी। इनको बोलो जाने के लिए। जाओ। क्या बात कर रहे हैं सर? अरे तुमसे कह रहा हूँ तुम जाओ, निकलो। पुलिस स्टेशन। इस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। मैडम एक्सीडेंटल केस है, पुलिस के आने तक आपको यहीं रुकना होगा। मैं यही हूँ। तब तक आप फॉर्म फिल कर दीजिए। कैसा फॉर्म? एक्सीडेंटल केस की फॉर्मेलिटी है। लेकिन मैं फॉर्म में भरूंगी क्या? मैं इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानती। हाँ इसके फादर का नंबर है, मैं उनको कॉल करके सारे डिटेल ले लेती हूँ। ओह क्या हुआ मैम? वो एक्चुअली जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ किसी और आदमी के फ़ोन से इसके फादर को कॉल किया था, इसलिए उनका नंबर मेरे फ़ोन में नहीं है। बट डोंट वरी, मैंने इसके फादर को फ़ोन करके एक्सीडेंट के बारे में बता दिया था, वो आ जाएंगे। ओके अब इन दोनों के झगड़े में टाइम लग जाएगा तो मैं लेट हो जाऊंगी। ए सर, पानी के लिए देखिए क्या किया आपने। देखिए बहस करने का वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी तुम्हारी है, तुम ओवर स्पीडिंग करोगे। मैं थोड़ी चला रहा था, मैडम ने कहा था तेज चलाने को। क्या आया? मैं बात कर, बाहर निकलो। एक मिनट, क्या बाहर निकलो? तो तुम्हारी मैडम ने बोला तेज चलाने के लिए। तुम्हारी मैडम बैठी है ना गाड़ी में। अरे तो उठाओ मैडम। और रणबीर प्राची का इसलिए साथ दे रहा है क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आप ना इस प्राची को ले जाइए अपने साथ। नहीं प्लीज, मुझे अरेस्ट मत कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर अरेस्ट करिए इसे, ये ना मगरमच्छ के आंसू निकाल रही है और ये बहुत बड़ी नौटंकी है, लेकर जाइए। नौटंकी आपकी बेटी है जो तब से झूठ बोले जा रही है। 10,000 बार मैं इन लोगों को बोल चुका हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है। आप धोखे पीछे पड़े हैं आप लोग तो यार। प्राची कहीं नहीं जाएगी, बोल दिया मैंने। दामाद जी, प्राची का साथ देना बंद कर दीजिए वरना। अरे ऐसे कैसे अरेस्ट कर लेंगे आप? हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। एक मिनट, अगर अरेस्ट करना है ना तो मुझे करिए, मेरी प्राची ने कुछ कर... गलत सही प्रूव करना हमारा काम है, आपका नहीं। ले चलो इन्हें। मेरी बात सुनिए आप, छोड़ दो प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मेरी बात, ले चलो। खबरदार मेरी बेटी को किसी ने भी हाथ लगाया तो। की बात है भाई, एक बात बताइए, अगर हमने आपको धमकी दी थी तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? बोलिए, अगर हम गलत होते तो हम पुलिस के पास क्यों जाते? बोलिए, आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था ना पुलिस को कि हमने आपको धमकाया है। इंस्पेक्टर साहब, हम MLA हैं, हमारी इज्जत है, सड़क छाप गुंडे नहीं है जो हम ऐसी हरकत करेंगे। खुद कसूरवार होकर खुद ही पुलिस को बुलाना, ये आई एम सॉरी लेकिन सड़क छाप मुजरिमों की ही आदत होती है। चलिए मान लिया कि हम गुनहगार, लेकिन एक बात बताइए मैडम, आपको लगता है कि हमें शौक है कि हम बैल को बोलेंगे कि आ बैल मुझे मार? भाई अगर हम आपको धमका रहे थे, बोल रही है, इसे बांध कर कहीं छुपा दिया गया था। शुक्र है सारा इल्जाम प्राची पर आ रहा है, मदन और आलिया सेफ है। प्राची को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों?
कुछ गलत नहीं किया है फिर भी? अगर आपकी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया तो लीगल फॉर्मेलिटीज कीजिए, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने कुछ नहीं किया है। प्रूफ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते मैडम, आप हमारे काम में इंटरफियर मत कीजिए। ले चलो इन्हें। प्राची कहीं नहीं जाएगी। तो माँ बेटी दोनों को ले चलूं? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट थी मेरी आपसे। ए लड़की, बहुत हो गया तेरा, कुछ भी बोले जा रही है। सिर्फ बोल नहीं रही हूँ मैं, प्रूफ भी कर सकती हूँ। क्या प्रूफ है तेरे पास? माया का बॉयफ्रेंड राहुल। सरिता आंटी को शाहना का मैसेज आया, अब हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। अब जो भी बोलना है ना, माया का बॉयफ्रेंड राहुल बोलेगा। आओ राहुल। तुरंगी गेटअप में होगी और उसने प्राची को किडनैप किया होगा। तुम्हारे बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। बूजी, आप मेरा फोटोग्राफ दे देती मदन को कुछ? बस वही तो एक गलती हो गई। वन सेकेंड, अगर मैं नहीं थी वहाँ पे और माया भी नहीं थी मंडप में, तो किसी ने तो दुल्हन के बारे में कुछ पूछा होगा ना। माया के बड़े पापा या somebody must have said something, right? कैसे पूछते? प्राची बैठी हुई थी ना रणबीर के साथ मंडप में, घूंघट लगा के। बट प्राची रणबीर के साथ मंडप में बैठी थी? रणबीर की शादी नहीं हुई है अभी तक, क्योंकि माया वापस आ गई थी। मैं रिया से मिल सकता हूँ? Yes. मैं आपको एक बात बताना भूल गई। गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं, शायद इसलिए वो लेडी को लगा होगा कि मेरे पीछे कोई, साल की हो गया, 10 साल की। अरे सीधे सीधे मांग लेती फोन, मना थोड़ी ना करता हूँ। एक्सीडेंट हुआ है उसका, अभी होश में आई है और आप इसे डांट रहे हैं? डांट नहीं रहा आलिया, मैं बस इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चिंता होती है, that's why I just get upset. ओए, relax. रॉकर लगे हो तुम, हाँ? बंडाना बांध। अब वो बेइज्जती हो, तो वो भी तुम लोगों की शादी होने नहीं देगी राहुल। और अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम माया से खुद पूछ लो, बता दो उसे। माया, क्या ये जो बोल रहे हो वो सच है? कौन हो तुम? मुझे नहीं जानती। हाँ, मैं तुम्हें नहीं जानती। माया, अगर तुमने अब ये बोल ही दिया ना कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तो मैं सबको बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जिसने तुमसे प्यार किया है, जिसने तुम्हारे बड़े पापा के गुंडों से मार खाई है। मैं वो हूँ जिसके इनोसेंट फादर को तुम्हारे पापा ने स्कैम करके जेल में डाल दिया था। नहीं समझ आना, जो समझ आ जाए वो प्यार कैसा? कभी यकीन नहीं आ रहा ना, तो कभी भी दीवार पे एक जोर से मुक्का मार देना, देखना मेरा सामने से फोन आएगा तुम्हें, और मैं तुमसे कहूंगा कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। ऐसे तो आप कह दो कि आप मेरे आंसू नहीं देख सकते, लेकिन आप ही मुझे रुला रहे हो। शुरुआत किसने की थी? हाँ, अस्पताल में मैंने शुरुआत की थी ना मुझे रुलाकर। रोना क्या है अभी? I'm really sorry. Wait, and I love you. We all love you. अरे आपको बताऊंगा कि हम कब, कहां, कैसे और कितनी बार मिले हैं। ये ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। पहले मुझे फर्क नहीं पड़ता था, पर अब फर्क पड़ता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। बस करो माया, अगर तुमसे मेरा ये दर्द नहीं देखा जा रहा ना, तो ये दर्द खत्म कर दो। सबको बता दो कि हम दोनों शादी करना चाहती हैं, बोल दो सबको। हाँ, मैं सबको बताऊंगी, मैं सबको बता दूंगी। आई लव यू। देख लिया अपनी माया का इनोसेंट चेहरा? देख लिया? बोलिए ना, कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप सब, इतना चुप शांत? आपको तो बहुत शौक है ताली बजा के बातें करने का, तो करिए। अब मैं बोलूंगा और आप सब सुनेंगे।
ये शादी मुझे नहीं करनी। इंस्पेक्टर साहब, अब तो बाकायदा गोली चली है। गिरफ्तार नहीं करोगे महाशय को? ये खड़े यहाँ पगड़ी वाले। बहुत बोल लिया आप लोगों ने, अब बोलूंगी तो मैं। इंस्पेक्टर, मेरे ताऊजी और मेरे पापा ने रणबीर से शादी करने के लिए मुझे फोर्स किया है। आप इन्हें अरेस्ट कर लीजिए, स्टेटमेंट मैं दूंगी। चलो, अब मुझे अरेस्ट करेंगे? आप जानते किससे बात कर रहे हैं? आप जो भी हो लेकिन कानून से बढ़कर नहीं हो। ले चलो। रब जो करता है ना चंगा ही करता है। छवा उसका मकत माया की विदाई नहीं हुई। अच्छा हुआ माया से शादी नहीं हुई तुम्हारी, तुम सिर्फ मेरे हो रणबीर, सिर्फ मेरे। अरे मैं तो कह रहा हूँ अच्छा हो राहुल ने वो माया की पोल खोल दी, लेकिन मेरे लिए आप हीरो बोलो, हीरोइन बोलो, सुपरमैन बोलो, सब कुछ प्राची है। इतना बड़ा रिस्क लिया, अपनी जान जोखिम में डाल के मेरे बेटे रणबीर को बचाया। अरे वो तो बचाना ही था, वो मेरी वन ट्रू फ्रेंड जो है। फरिश्ता बोल उसे, फरिश्ता। सच में मैं ना तेरी नजर उतारती हूँ, कमा। हाँ हाँ प्लीज नजर उतार लो, ताकि माया की बुरी नजर इस पर दोबारा ना पड़े और दोबारा तेरी लाइफ में ना आ जाए माया। हाँ पुत्र, अच्छी तरीके से उतारना नजर इसकी। वैसे आप सभी चलो ना, थोड़ा सा आराम कर लो, थक गए होंगे सब। ओए तू थक गई होगी, जा तू आराम कर, मैंने तो अपने पुत्र के साथ बात करनी। चलो व्हील को। चलो तो खास नजर उतारूंगा मैं। बोलिए। कितना अच्छा हो पुत्र, जो प्राची जैसी गुड़ी रणबीर की जिंदगी में आ जाए, जो हर हालत में उसका साथ दे। प्राची जैसी क्यों? प्राची क्यों नहीं? फ्रेंड ना, चली तो गई थी, पर जाके ना मुझे वो बहुत अजीब लगा था। हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ, ये अजीबोगरीब किस्सा मेरे बेटे के केस में ना हो तो अच्छा है। इसलिए कह रहा हूँ रणबीर से भी पूछ लिया जाए कि उसे प्राची पसंद है कि नहीं। ठीक है ना, चलता हूँ। पर सुनिए, हाँ। मेरे पीठ पीछे मैं चिन्ने जा रहा हूँ 3 दिन के लिए। मेरे पीठ पीछे उनके घर पे मत चले जाना रिश्ता लेके। सब संभाल लूंगी पुत्र, तू फिक्र ना कर। अरे बिजी हो तो आप कैसी? चलता हूँ, मुझे तैयारी करनी। ठीक है। अरे पुत्र ये लेके जा, पल्लो भूल गई है फिर ढूंढती फिरेगी। ये तो पल्लो को दे दो हाथों हाथ, वरना एक और किस्सा शुरू हो जाएगा पल्लो और आपका, है ना। विक्रम के आने तक क्या कर, रिश्ता लेके जाऊं कि नहीं? बताने की जरूरत ही नहीं समझी। मैंने कहा था ना कि मुझे वो जो कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो दोनों को साथ में हेल्प के लिए ले जा रही हूँ। समाज सेवा चल रही थी वहाँ पे। प्राची को मंडप पे बिठा दिया क्योंकि रणबीर को बचाने का इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं था। तो ऐसे गुस्सा मत हो, दोनों की तरह मैं भी माफी मांगती हूँ। कान पकड़ के बस जोर से सॉरी। हाँ मासी, मुझे मत डांटना, मैंने तो देखो तेज से कान खींचे अपने। मैं भी सबकी सॉरी का मतलब पता है मुझे, मैं बस ये कह रही हूँ आइंदा अगर मुझे बिना बताए तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया ना तो मैं को प्रपोज नहीं करना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि तू करे यार, पर सुन अगर प्लान है तो मुझे बता देना, क्योंकि अगर कोई गुफा को तेरा भाई संभाल लेगा। तू तो संभाल ही लेगा ऑब्वियसली, पर इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड प्लान नहीं, बहुत सिंपल प्लान। कल क्या है? रोज डे। एग्जैक्टली रोज डे। कल सब किसी ना किसी को कोई ना कोई फ्लावर तो देंगे, तो कोई किसी को व्हाइट रोज देगा, कोई किसी को येलो रोज देगा, कोई किसी को पिंक रोज देगा, लेकिन तेरा भाई रेड रोज देगा। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि रेड रोज इज अ सिंबल ऑफ लव।
प्राची की आंखों में देखूंगा और उसे कहूंगा, प्राची मुझसे प्लीज शादी कर लो। बट सुन, तू जो भी कर रहा है ना, तू जल्दी प्रपोज कर देना। अबे वही जो चुपके चुपके पीते हैं। ओ बियर नहीं, हम तो अगली बार मिल्कशेक पिएगा। अबे बियर की बात कर रहा है, तेरे भाई ने कब से छुपा के रखी है बास्केट में। अरे तो ला ना, व्हाट यू वेटिंग फॉर क्रिसमस, गेट इट। व्हाट यू टॉकिंग अबाउट दिस स्टफ, इतना टाइम से नहीं पिया यार हम लोगों ने। ओ नॉट बैड, महंगी वाली बियर। एग्जैक्टली चाचा, क्या अच्छी नहीं लगी? अरे नहीं अच्छी है यार, लेकिन आज नहीं। क्यों? क्योंकि तेरी भाभी को ना एक्चुअली पसंद नहीं है जो लोग बियर बियर पीते हैं ना, उसको लगता है वो सब बिगड़े हुए लड़के होते हैं। मेरे बोलने का मतलब है मैं बिगड़ा हूँ? नहीं ना? मेरे बोलने का मतलब है कि तू तो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, तू तो दोनों पी लेगा। तुझको सुनाऊं मैं जरा, अरे ये तो दिलों का वास्ता वास्ता, खुल के बताया जाएगा। सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह। राजी अपने पापा से दूर है पर उनके नाम से तो वो करीब है। प्राची का नाम अभी भी उसके पापा के साथ जुड़ा हुआ है। देख बेटा, तू प्राची के पापा को बुला ले, तेरी परेशानी दूर हो जाएगी और प्राची को अपनी खुशियां मिल जाएगी। देखिए तो पता है क्या होगा? लिसन, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लेकर आती हूँ जिससे तुम्हारा ये नशा उतर जाए, तब तक तुम यहाँ से कहीं जाना मत। Do you get me? कहाँ जाऊंगी मैं बूजी? Do not move from here. अरे मैं कहाँ जाऊंगी बूजी? कोई मुझसे प्यार कहाँ करता है? Nobody loves me. रणबीर, रणबीर की फैमिली, नहीं जाऊंगी मैं, अकेली रह जाऊंगी, अकेली रह जाऊंगी। यस यस, मुझे पता था ऐसा ही होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, ओके? ये कोई रिंग तो नहीं निकाल रहा, शादी के लिए प्रपोज तो नहीं करेगा? मैं भी कितनी बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, मैंने कभी बेसिक बात करी नहीं तुमसे, पर मैंने कभी तुम्हें ऑफिशियली दोस्ती के लिए प्रपोज किया है? हाँ? वो मुझे पता है कि तुम जवाब क्या देने वाली थी, हम ऐसे अनजान क्यों बन रहे हैं? प्राची, हमारी जुबान पे ही नहीं हमारे दिल में भी एक ही बात है, तो ये कहना सुनना किसके लिए? हमारी ये नजदीकियां और खामोशियों को ही बात करने देते हैं ना। सुभान अल्लाह, जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह।
लेकिन मिला भी तो नहीं, क्या नहीं मिला? मेरा प्यार नहीं मिला डैड, मेरा प्यार मुझे नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि मुझे कभी मिलेगा या नहीं, मुझे नहीं पता। प्यार मतलब? I'm in love, Dad. I'm in love. और मुझे नहीं पता। Will I ever get my love or not? I just don't know. I just don't know, Dad. I don't know. Dad. आपको नहीं पता क्या? आप तो मेरे डैड हैं। आपको तो बताओ ना। बताएं मुझे। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो रणबीर, right? नहीं। You're wrong. रणबीर को तुम्हारी लाइफ से कोई नहीं छीन सकता। रणबीर सिर्फ तुम्हारा होगा। Promise, Dad. I promise you. दोबारा मेरे सामने मरने की बातें मत करना। Dad, रणबीर पक्का मेरा हो जाएगा। पक्का? पक्का promise, Dad. वैसे तुम्हारे ये डैड जो है ना, ये कोई काम कच्चा नहीं करता। डैड रणबीर मेरा हो जाएगा ना, बस मैं रणबीर का आना मेरा इमेजिनेशन था। प्राची, तू कहाँ यहाँ वहाँ देख रही है, जवाब देना। हाँ, क्या क्या पूछ रही थी आप? लो, एक से बढ़कर एक है। मैंने पूछा कि तूने कहा था शाहना को मेरे कमरे में आके सोने के लिए। उसको मे भी आपके बेड पे सोना अच्छा लगता होगा। तो जो झूठी प्राची, तो तूने मुझे बोला था ना सरिता आंटी के कमरे में जाके सोने के लिए, अब तू झूठ बोल रही है। अभी बताती देखो। मैम शाहना, अब मेरी बात जो है ना ध्यान से सुनो। अभी ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनो। मैं जो हूँ ना, मैं तुम्हारी मॉम, तुम्हारा डैड, ग्रैंडफादर, फादर, दोस्त, मैं सब कुछ हूँ। इसलिए लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो सबसे पहले मुझे बता, ठीक है? तुम्हें पता है रणबीर की शादी क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? मायूस है वो। क्योंकि तुम उससे शादी करना चाहती हो, और अभी शादी कोई नहीं रोक सकता। ना बड़े पापा, छोटे पापा, मोटे पापा, गोड़े पापा, कोई नहीं। I'm fed up. Fed up of the problems. या तो ना रणबीर के प्रपोजल के पहले मैं मर जाऊंगी, या प्राची मर जाएगी रणबीर का प्रपोजल सुनने से पहले। जीतता वही है जो जिंदा रहता है, मरते तो कमजोर है जो अपनी लड़ाई बीच में छोड़ के चले जाते हैं। In that case, मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी, मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। हाँ, मैं वहां पर मिलूंगा ना आपसे। ओके, अभी बस एयरपोर्ट, आई कॉल यू बैक। अभी पल था थी। हाँ, याद आ गई आपको मेरी। कहूंगी बेटा, दलजीत नहीं हुई तो क्या हुआ, उसकी परछाई तो है। आज पुत्र आप आइए बेटी, आप आइए मेरे साथ।